बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च पेपर राइटिंग सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि दैट हाउ वी कैन सेलेक्ट अ रिसर्च जर्नल फॉर आवर नेक्स्ट पेपर। जर्नल की सिलेक्शन जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक गलत जर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका नतीजा ये है कि हमारा पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो PhD स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने एक पेपर पब्लिश करना है, एटलीस्ट वन पेपर, और बाकी जो बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी PhD कर रहे हैं तो उन्हें तो कंटिन्यूसली रिसर्च पब्लिकेशंस करनी होती हैं। और इवन PhD करने के बाद भी जब आप फैकल्टी मेंबर बनते हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी रिसर्च को कंटिन्यूसली पब्लिश करते रहना है। रिसर्च पेपर पब्लिशिंग में जर्नल जो है वो एक मेन थीम है, सेंट्रल थीम है। इसको आप इस तरह से समझें कि जो हमारा रिसर्च पेपर है या जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमारी प्रोडक्ट है और जो जर्नल है वो हमारा बायर है या कस्टमर है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर नहीं ढूंढते तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रिजेक्ट हो जाएगी। और इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर आप एक राइट जर्नल चूज़ करते हैं तो आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन का जो टाइम है वो कम हो जाता है। आप एक अच्छे जर्नल में एक अच्छे टाइम स्पैन के अंदर अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस सिलसिले में जो मैंने जो सीरीज़ बनाई है वो उसके चार पार्ट्स हैं। उसमें पार्ट वन ये है कि टाइप्स ऑफ जर्नल, पार्ट टू सिलेक्टिंग टारगेट जर्नल, पार्ट थ्री में हाउ वी नीड टू रीड द ऑथर्स गाइडलाइंस, और पार्ट फोर जो है वो प्रीडेटरी जर्नल्स या शिकारी जर्नल्स के ऊपर है। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे होते हैं या इवन जो MS में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने किस जर्नल के अंदर अपनी रिसर्च को सबमिट करवाना है या पब्लिश करवाना है। बाज़ोकात वो सिर्फ पब्लिश करने की दौड़ में जो है वो गलत जर्नल्स के अंदर अपनी अच्छी रिसर्च को ज़ाया कर देते हैं। तो फिलहाल जो है वो मैं पहले पार्ट वन के ऊपर बात करूँगा क्योंकि हमें जर्नल्स की डिफरेंट टाइप्स को भी समझना है ताकि हम एक अच्छे जर्नल को चूज करने का प्रोसेस जो है वो उसे कंप्लीट कर सकें। इस केस में टाइप्स ऑफ जर्नल्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसी बेसिस के ऊपर जो है वो हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो सबसे पहले जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं उसमें सबसे पहले है बिग जर्नल्स। बिग जर्नल्स की एग्जाम्पल नेचर है, साइंस है, सेल है, लैंसेट है, और इसी फैमिली के जो हैं वो कुछ और जर्नल्स हैं। नेचर, साइंस और सेल जैसे जर्नल्स जो हैं वो फील्ड और जेनेरिक दोनों के साथ चलते हैं। नेचर और साइंस में आपको दुनिया जहान के पेपर्स जो हैं वो मिलेंगे, सोशल साइंस, साइंस और इंजीनियरिंग आस्पेक्ट, लेकिन वो कटिंग एज रिसर्च होती है, यानी ऐसी रिसर्च जो बेसिकली फ्यूचर इनोवेशन या फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखती है या बहुत बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करती है। तो मैं इन्हें जो है वो बिग जर्नल्स की कैटेगरी में जो है वो डाल देता हूँ। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो मेरे पास है जनरल स्कोप जर्नल्स की, यानी ऐसे जर्नल्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। ये टॉप टीयर जर्नल्स जैसे बिग जर्नल्स हैं उनसे नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इनमें प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज USA है, नेचर कम्युनिकेशन है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, साइंस एडवांसेस है। ये दूसरी कैटेगरी के जर्नल्स हैं और ये भी ओपन है, ओपन टू ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स जहां पे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की आप बात करते हैं। तो इन दोनों टाइप्स जो मैंने अभी दोनों कैटेगरीज आपके सामने एक्सप्लेन की हैं इनके अंदर आप ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का जो रेलिवेंट पेपर है उसे सबमिट कर सकते हैं और वो उसे ड्यूली जो कंसिडर करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं रिव्यू जर्नल्स। बुके जो पहली दो कैटेगरीज के जर्नल हैं और जो इसके बाद भी जो मैं जर्नल्स एक्सप्लेन करूंगा, तकरीबन सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च पेपर्स के साथ साथ रिव्यू पेपर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली जो है वो रिव्यू जर्नल्स होते हैं, वो सिर्फ रिव्यू पेपर्स पब्लिश करते हैं। उनमें हमारे फील्ड से केमिकल रिव्यूज है, केमिकल सोसाइटी रिव्यूज है, नेचर मटेरियल रिव्यूज है, इसी तरह नेचर के और भी हर सब्जेक्ट के लिहाज से रिव्यू जर्नल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज है, एक अच्छा जर्नल है। तो ये वो रिव्यू जर्नल्स सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पेपर्स पब्लिश करते हैं, इनके अंदर रिसर्च पेपर जो हैं वो पब्लिश नहीं होते। लेकिन जो दूसरे जर्नल्स हैं जिन्हें हम रिसर्च जर्नल्स कहते हैं,
वो मोस्टली जो है वो रिसर्च पेपर्स और रिव्यू पेपर्स दोनों को अकोमोडेट करते हैं। उनका मेन फोकस जो है वो रिसर्च पेपर्स के ऊपर होता है। अब यूँ समझ लीजिए कि मोर देन 90-95% वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, पर जस्ट 5% जो है वो रिव्यू पेपर्स को पब्लिश करते हैं। लेकिन जो रिव्यू जर्नल्स हैं वो 100% रिव्यू पेपर्स को पब्लिश करते हैं। अभी तक हमने जो दो कैटेगरीज मेन की बात की है वो है ब्रॉड स्कोप स्पेक्ट्रम जर्नल्स या रिव्यू जर्नल्स की। अब एक और कैटेगरी है वो है सब्जेक्ट जर्नल्स की। सब्जेक्ट जर्नल्स में आप यूं समझे जैसे केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल है, तो जो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारे पेपर्स हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी है, वो बॉटनी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी जूलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। टॉपिक से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो सारे के सारे पेपर जो है वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में कवर होते हैं। प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का जर्नल है, तो बायोकेमिस्ट्री के प्रोसेस के हवाले से जो भी रिसर्च अगर आप करते हैं तो वो आप इस जर्नल के अंदर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है टॉपिक जर्नल्स की। ये मेरी डेफिनेशन है, आप इसे डिफर भी कर सकते हैं। टॉपिक जर्नल्स में बहुत स्पेसिफिक किस्म के टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो जर्नल्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपिड रिसर्च है, जिसमें यानी लिपिड से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो आप लिपिड रिसर्च में सबमिट कर सकते हैं। एडसॉर्प्शन है, बेसिकली फिजिको केमिकल एक फिनोमेना है, तो उस बारे में जितनी भी रिसर्च है वो एडसॉर्प्शन जर्नल जो कि ACS का जर्नल है उसमें सबमिट की जा सकती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स एक जर्नल है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स या कार्बोहाइड्रेट के इर्द गिर्द जितनी रिसर्च है वो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिसर्च है वो उसमें आप पब्लिश कर सकते हैं। तो ये ऐसे जर्नल है जो टॉपिक स्पेसिफिक हैं। इससे ऊपर की जो कैटेगरी है वो सब्जेक्ट जर्नल्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल। अब अगर आप गौर से देखें तो एडसॉर्प्शन जो है वो आप केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में भी एडसॉर्प्शन का पेपर सबमिट कर सकते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी वो पेपर सबमिट कर दें। इसी तरह से आप एडसॉर्प्शन बायोमॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन का पेपर आप पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी में भी सबमिट कर सकते हैं, जहां पे आप लिपिड्स के ऊपर एडसॉर्प्शन या बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर एडसॉर्प्शन की बात करते हैं। इसी तरह से आप पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी में भी एडसॉर्प्शन का पेपर सबमिट कर सकते हैं, जहां आप सॉयल के ऊपर कोई एडसॉर्प्शन का फिनोमेना है उसको अगर डिस्कस करते हैं तो आप उसे वहां भी सबमिट कर सकते हैं। तो टॉपिक जर्नल बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट जर्नल्स हैं वो पूरे के पूरे ब्रॉडर सब्जेक्ट को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। इसके बाद लेटर जर्नल्स होते हैं। लेटर जर्नल्स में बेसिकली ये जो लेटर है उसी से इसी को मैंने एब्रीविएट किया है कि एक होता है रिसर्च पेपर और एक होता है लेटर। लेटर जो है ना वो रिसर्च पेपर की भी एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप कोई चीज़ है तो वो आप लेटर जर्नल्स के अंदर फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर्स है, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी लेटर्स है, इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स है। तकरीबन सारे जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं अब उन्होंने अपना एक समझने के एक चाइल्ड जर्नल टाइप लेटर के नाम से भी निकाला है, जहाँ पे शॉर्ट रिसर्च जो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप रिसर्च जो है वो वहाँ पे सबमिट करवाई जा सकती है, पब्लिश की जा सकती है। मैं क्यों ये अहम समझता हूँ कि हमें टाइप्स ऑफ जर्नल्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी रिसर्च को एवेल्युएट करते हैं, जब हम अपना रिसर्च पेपर लिख लेते हैं या रिसर्च कर चुके होते हैं तो हमें अपनी रिसर्च के बारे में एक ब्रॉडर फीलिंग होती है कि ये किस किस्म की मेरी रिसर्च है। एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो पहली दो कैटेगरीज हैं बिग जर्नल्स और जनरल स्कोप जर्नल्स, ये असल में टॉप टीयर के जर्नल्स हैं, इनके अंदर अगर आप अपना कोई पेपर जमा करवाना चाहते हैं तो वो उसके लिए बिल्ट इन एक जो फार्मूला है वो है कि कटिंग एज रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। यानी आप एक हाईली इनोवेटिव आइडिया की बात कर रहे हो कि बिल्कुल एक नया बैटरी मटेरियल या कैथोड मटेरियल आपने बनाया है जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी से कहीं बेहतर जो है वो एफिशिएंट है, तो आप पहले जो दो कैटेगरीज हैं उनके अंदर आप अपनी इस किस्म की रिसर्च को भेज सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि जो टॉप टू कैटेगरीज के जर्नल हैं उनका उनके ऑडियंस जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑडियंस होते हैं, पूरी दुनिया में इन जर्नल्स को जो है वो पढ़ा जाता है। तो अगर आपका पेपर इस किस्म के जर्नल के अंदर छपता है तो दैट मीन्स कि आप एक वाइडर कम्युनिटी को एड्रेस भी कर रहे होते हैं एंड यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन दैट वाइडर कम्युनिटी। तो दोनों तरह से आपको वहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। रिव्यू जर्नल्स वो बहुत स्पेसिफिक हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ रिव्यू पेपर्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। अब जो जो तीन कैटेगरीज जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या जो यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है, वो बेसिकली लास्ट थ्री कैटेगरीज हैं जिसमें सब्जेक्ट जर्नल्स हैं, टॉपिक जर्नल्स हैं और लेटर जर्नल्स हैं। अब आपको बेसिकली इन तीन के अंदर जो है वो चॉइस करनी है। देखिए, जब आप सब्जेक्ट जर्नल्स में जाते हैं तो वहां पे ऑडियंस जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से वाइडर होती है और वहां पे स्पेशलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। तो वहां पे आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, डेफिनेटली केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप एडसॉर्प्शन का पेपर सबमिट करेंगे तो जो लोग एडसॉर्प्शन से पे काम कर रहे हैं वही आपके पेपर को पढ़ेंगे। सारे केमिकल इंजीनियर्स के इंजीनियरिंग जर्नल के जो ऑडियंस है वो आपका पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो वहां पे चूंकि जनरलाइजेशन ज्यादा है तो इस वजह से वहां पे आपका पेपर के ऊपर जो आप समझे कि एक चेक है, क्रिटिसिज्म चेक कह लें या जो थ्रू चेक है, वो थोड़ा सा लूज होता है। उसकी वजह ये है कि वहां पे जनरल स्पेशलिटी के जो है वो एडिटर्स बैठे होते हैं, तो गो के वो कोशिश तो यही करते हैं कि एडसॉर्प्शन रिलेटेड जो है वो उनके पास एक्सपर्ट मौजूद होना चाहिए और होते भी हैं, लेकिन फिर भी वहां पे आपको थोड़ी सी लीवरेज जरूर मिल जाती है। जैसे मैंने जूलॉजी की बात की, पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी, अब अगर आपका फॉर एग्जांपल एक पेपर है जो इन्वायरमेंटल माइक्रोब्स के इर्द गिर्द या माइक्रोब्स की एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल एरिया में आपने की है, अगर आप उस पेपर को इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में सबमिट करते हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक है। वहाँ सारे के सारा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में वन वे अर द अदर एक्सपर्ट बैठा हुआ है। लेकिन जब आप पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी में जमा करवाएंगे तो चूंकि वो उसने इस जर्नल ने पूरे जूलॉजी को कवर करना है तो वहां पे एक आध एक्सपर्ट जो है वो जूलॉजी का बैठा होगा, तो फिर भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है कि आपके एक्सेप्टेंस का रेट मेरे ख्याल में जो सब्जेक्ट जर्नल्स होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप नैरो डाउन करते जाएंगे तो वहां पे एक्सपर्टीज लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक्सपर्टीज लेवल के बढ़ने से आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी टाइट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी में आप लिपिड के ऊपर भी कोई काम सबमिट करवा सकते हैं, अगेन एक आध एक्सपर्ट होगा, लेकिन लिपिड रिसर्च का पूरे का पूरा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो लिपिड का एक्सपर्ट बैठा है, तो वहां में लिपिड से रिलेटेड पेपर को पब्लिश करना इज हाईली चैलेंजिंग। इसी तरह से जो लेटर्स हैं वहां पे शॉर्ट रिसर्च जो है वो पब्लिश की जाती है ऑफ इमीडिएट इम्पॉर्टेंस। तो आपका आइडिया अगर बहुत ज्यादा फैंसी और क्लिक करने वाला है तो वो फौरी तौर पे जो है वो लेटर्स में क्लिक कर जाएगा, और अमूमी तौर पे ऐसे जर्नल्स जो हैं वो बड़े फास्ट ट्रैक पब्लिशिंग जर्नल्स होते हैं, तो उनमें तेजी से जो है वो एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो आपके पेपर जो है वो पब्लिश हो जाते हैं। मैं दोबारा जिस चीज को एक समरी के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है सब्जेक्ट जर्नल्स और टॉपिक जर्नल्स। सब्जेक्ट जर्नल्स में अप टू मी जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होता है। टारगेट जर्नल्स या टॉपिक जर्नल्स के अंदर चूंकि एक्सपर्टी लेवल बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है तो वहां पे बहुत टफ टाइम आपको मिलने का चांस है, लेकिन इसको आप अदर वे अराउंड भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप एक रियल टाइम लाइक आप एक रियल फीडबैक चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप सब जो टॉपिक जर्नल है उसके अंदर अपने पेपर को सबमिट करें, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वो आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे कि आपकी रिसर्च की इवेल्यूशन करेंगे, उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू और कमेंट्स। तो जब आप उन कमेंट्स को दोबारा पढ़ेंगे, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने का कहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपकी रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब चाहे आप एमएस स्टूडेंट हैं, चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, चाहे पोस्ट डॉक कर रहे हैं या आप फैकल्टी मेंबर हैं, तब भी आपको ये इंप्रूवमेंट जो है वो चाहिए।
पेपर रिसर्च को रिव्यूअर के पास भेजने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो रिसर्च की क्वालिटी, इसकी इंटेग्रिटी, उसकी इनोवेशन, द वे यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, उन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करें। तो जब आप एक इतनी फाइन सील से गुजरते हैं, अपनी रिसर्च को गुजारते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी रिसर्च क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं, मैं अगेन, उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप एज अ फैकल्टी मेंबर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आपके जो नए रिसर्च स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, आप उनको भी उतने ही फाइन ट्यून किस्म के जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि यू हैव बीन ग्रूम्ड। और ये हमारे लिए रिसर्चर्स के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने आप को कंटिन्यूसली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन जर्नल्स को एक्सप्लेन करने का या समझाने का जो वाहिद मकसद है वो यही है कि अब आपने ये डिसाइड करना है। समटाइम्स आपको क्विक पब्लिकेशन चाहिए होंगी, समटाइम्स आप ये चाहते होंगे कि मैं अपनी रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करूं, मैं अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करूं, मैं अपनी थीसिस को इम्प्रूव करूं। तो उस सूरत में आप टॉपिक जर्नल में चले जाएंगे। अगर आपको क्विक पब्लिकेशन की फिक्र है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सब्जेक्ट जर्नल्स को प्रेफर करें। लेकिन अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे रिसर्च कैरियर के लिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों जर्नल्स को टाइम टू टाइम टच करते रहें, ताकि आप दोनों में से जो है वो थ्रू होते रहें। ये आपके रिसर्च कैरियर के लिए ओवरऑल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो था हमारा पार्ट वन। जो पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर जो है वो आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं। इसी पर मैं उसको कंस्ट्रक्ट करूँगा कि हमें क्यों अपनी रिसर्च को आगे, अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। एक आखिरी जो नुक्ता है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिकन जो हैं वो बहुत डिफरेंट सोचते हैं। इस वक्त मैं उनसे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो इम्पैक्ट फैक्टर के पीछे नहीं भागते, वो रिसर्च क्वालिटी के पीछे भागते हैं। तो आप में से जो लोग MS PhD पोस्ट डॉक के हैं और वो अमेरिका जाना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, किसी के लिए, तो उनको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिसर्च को अमेरिकन जर्नल्स के अंदर जो है वो पब्लिश करें या टॉपिक जर्नल्स में पब्लिश करें, क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो यही है कि रिसर्च क्वालिटी कैसी है, आपने प्रॉब्लम कैसे चूज़ किया और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो आप अपने उस विश को अगर आप अमेरिका में जाके पढ़ना चाहते हैं तो पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।